आपका सही विकल्प है सी, केरल राज्य में। सर्वाधिक नारियल का उत्पादन केरल राज्य में होता है। आपका दूसरा सवाल है, सुदर्शन झील किसने बनवाया था? आपके विकल्प हैं ए तुषाज, बी सुविशाख, सी कुशीगुप्त, डी चक्रपालित। आपका सही विकल्प है सी कुशीगुप्त। सुदर्शन झील कुशीगुप्त ने बनवाया था। आपका तीसरा सवाल है, भारत का सबसे ताकतवर राज्य कौन सा है? आपके विकल्प है ए बिहार, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। आपका सही विकल्प है डी महाराष्ट्र। भारत का सबसे ताकतवर राज्य महाराष्ट्र है। आपका चौथा सवाल है, मनुष्य बिना सोए कितने दिनों तक रह सकता है? आपके विकल्प हैं ए 12 दिनों तक, बी 9 दिनों तक, सी 6 दिनों तक, डी 15 दिनों तक। आपका सही विकल्प है ए 12 दिनों तक। मनुष्य बिना सोए 12 दिन तक रह सकता है। आपका पांचवा सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? आपके विकल्प हैं ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा, डी झारखंड। आपका सही विकल्प है सी हरियाणा। भारत के हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। सामान्य ज्ञान के ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर अवश्य रखें। आपका छठवां सवाल है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? आपके विकल्प हैं ए राहुल गांधी, बी राजीव गांधी, सी नरेंद्र मोदी, डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। आपका सही विकल्प है बी राजीव गांधी। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी हैं। आपका सातवां सवाल है, भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? आपके विकल्प हैं ए टमाटर, बी आलू, सी प्याज, डी कद्दू। आपका सही विकल्प है डी कद्दू। आपका आठवां सवाल है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? आपके विकल्प हैं ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन, डी मोहम्मद बिन तुगलक। आपका सही विकल्प है बी कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। आपका नौवां सवाल है, ज्यादातर जेब्रा क्रॉसिंग क्यों बनाए जाते हैं? आपके विकल्प हैं ए पैदल जाने वालों के लिए, बी गाड़ी जाने के लिए, सी जानवर जाने के लिए, डी ट्रैफिक के लिए। आपका सही विकल्प है ए पैदल जाने वालों के लिए। ज्यादातर जेब्रा क्रॉसिंग पैदल जाने वालों के लिए बनाया जाता है। आपका दसवां सवाल है, भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा है? आपके विकल्प हैं ए 7 पहाड़ियों पर, बी 5 पहाड़ियों पर, सी 1 पहाड़ी पर, डी 2 पहाड़ियों पर।
आपका सही विकल्प है बी, पांच पहाड़ियों पर। भोपाल पांच पहाड़ियों पर बसा है। सामान्य ज्ञान के ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर अवश्य रखें। आपका 11वां सवाल है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए, पोलो, बी, क्रिकेट, सी, फुटबॉल, डी, हॉकी। आपका सही विकल्प है ए, पोलो। विश्व का सबसे पुराना खेल पोलो गेम है। आपका 12वां सवाल है, भारत में सोने की खान कहाँ है? आपके विकल्प हैं ए, तमिलनाडु में, बी, कर्नाटक में, सी, केरल में, डी, सिक्किम में। आपका सही विकल्प है बी, कर्नाटक में। भारत में सोने की खान कर्नाटक में है। आपका 13वां सवाल है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? आपके विकल्प हैं ए, नई दिल्ली में, बी, पटना में, सी, मुंबई में, डी, जयपुर में। आपका सही विकल्प है ए, नई दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। आपका 14वां सवाल है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए, 20 नवंबर, बी, 27 नवंबर, सी, 26 नवंबर, डी, 29 नवंबर। आपका सही विकल्प है सी, 26 नवंबर। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। आपका 15वां सवाल है, राजगीर कुंड में गर्म पानी कहाँ से आता है? आपके विकल्प हैं ए, अजंता गुफाओं से, बी, सप्तपर्णी गुफाओं से, सी, हिमालय से, डी, गंगा नदी से। आपका सही विकल्प है बी, सप्तपर्णी गुफाओं से। राजगीर कुंड में गर्म पानी सप्तपर्णी गुफाओं से आता है। सामान्य ज्ञान के ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर अवश्य रखें। आपका 16वां सवाल है, भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा तापमान वाला है? आपके विकल्प हैं ए, मेघालय, बी, तमिलनाडु, सी, राजस्थान, डी, मध्य प्रदेश। आपका सही विकल्प है सी, राजस्थान। भारत का राजस्थान राज्य सबसे ज्यादा तापमान वाला राज्य है। आपका 17वां सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके विकल्प हैं ए, अनायमुटी, बी, दो बेटा, सी, अमरकंटक, डी, महेंद्रगिरी। आपका सही विकल्प है ए, अनायमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। आपका 18वां सवाल है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आपके विकल्प है ए, प्रधानमंत्री, बी, राष्ट्रपति, सी, गृह मंत्री, डी, आम जनता। आपका सही विकल्प है बी, राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है। आपका 19वां सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? आपके विकल्प हैं ए, अमेरिका में,
बी भारत में, सी चीन में, डी सऊदी अरब में। आपका सही विकल्प है डी सऊदी अरब में। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा सऊदी अरब में है। आपका 20वां सवाल है, ताजमहल में कुल कितने कमरे हैं? आपके विकल्प हैं ए 100 कमरे, बी 120 कमरे, सी 145 कमरे, डी 410 कमरे। आपका सही विकल्प है बी 120 कमरे। ताजमहल में कुल 120 कमरे हैं। आपका 21वां सवाल है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? आपके विकल्प हैं ए चौरी चौरा, बी खेड़ा सत्याग्रह, सी नागपुर सत्याग्रह, डी राजकोट सत्याग्रह। आपका सही विकल्प है ए चौरी चौरा कांड। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के बाद किया था। ये सवाल आपके लिए है, कौन सा जीव 6 दिनों तक सांस रोक सकता है? आपके विकल्प हैं ए बत्तख, बी मधुमक्खी, सी बिच्छू, डी छिपकली। इस सवाल का जवाब आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।